हम लोगों को एडमिशन ऑफ द पार्टनर के अंदर एडमिशन से डर नहीं लगता, डर लगता है कैपिटल एडजस्टमेंट से। तो भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है डे नंबर 13 मैं भी टॉपर सीरीज। और आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बहुत ज्यादा डिटरमाइंड है अपने पढ़ाई को लेकर और बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है अपने बोर्ड एग्जाम को लेकर। सो भाई और बहनों, आज अपने को पढ़ना है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। पिछली वीडियो के अंदर मैंने कुछ बेसिक सी चीजें बताई थी जिनको देखकर आप इतना अंदाजा लगा सकते हो कि क्वेश्चन को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। पर जब भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल आ जाता है तो वहां हमें दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हमें ऐसा अपब्रिंग किया जाता है या हमें ऐसा समझाया जाता है कि एडमिशन के अंदर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो है वो बहुत ज्यादा टेढ़ा है। और जैसे ही किसी क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल हमें मिल जाता है, वैसे ही हमें डर लगना जो है शुरू हो जाता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं वो सारे के सारे एडजस्टमेंट्स आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से रिलेटेड है। साथ साथ उसको करने के बाद हम ये भी देखने वाले हैं कि किस तरीके से इनके एक सिंपल वे में सॉल्यूशन प्रोवाइड किए जाएंगे। आज शाम को 7 बजे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आप सभी को क्वेश्चंस मिल जाएंगे एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के, तो उनको सॉल्व करें, अपनी स्टोरी में हमें टैग करें और बताएं कि आप लोगों ने कितने आंसर्स सही किए हैं। आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ऐसी वीडियो आज से पहले कभी नहीं बनी है। तो अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। साथ साथ ये सारे एडजस्टमेंट करने के बाद आपका डर जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। अब समझना, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इस वर्ड का मतलब क्या है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि पार्टनर ने पहले से डिसाइड कर लिया है कि हम अपनी कैपिटल को कुछ इस तरीके से रखने वाले। क्या होता है समझना, मान लो दो पार्टनर, उनकी कैपिटल चल रही है 1,00,000 और 2,00,000 चल रही है। तीसरा पार्टनर आया, अब उसके आने की वजह से क्या होता है, पार्टनरों को एक मौका मिल जाता है कि यार हम अपनी कैपिटल को बराबर कर दें या हम कैपिटल को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कर दें ताकि कैलकुलेशन वाइज सिंप्लीफाई हो जाए। अब देखो, एक अपन ने कहानी सुनी ना, लेस जेम टुडे फॉर मोर जेम टुमारो। आज कम खाओ ताकि कल सुख पाओ, आज कम खाओ ताकि कल सुख पाओ, तो वही वाली कहानी यहां बन जाती है। तो पार्टनर्स क्या करते हैं, एक छोटा सा एडजस्टमेंट पास कर देते हैं जिससे उनकी कैपिटल कुछ स्टैंडर्ड तरीकों में फिट हो जाती है। वो स्टैंडर्ड तरीके आपके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो सकता है, वो स्टैंडर्ड तरीके आपके इक्वल हो सकता है, वो स्टैंडर्ड तरीके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, वो स्टैंडर्ड तरीके ओल्ड प्रॉफिट किसी भी तरीके में हो सकता है। आपकी पुस्तक के अंदर 4 या 5 ऐसे अलग अलग केसेस दिए गए हैं जिनके हिसाब से आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करनी है, और साथ साथ ये भी दिया गया है कि हर केस पहले वाले से थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर आज हम कुछ नहीं सोचेंगे, आज मैंने यहां 5 केस बनाए। एक आपके जो क्वेश्चंस है उन्हीं क्वेश्चंस के कैपिटल एडजस्टमेंट वाले फेज को अलग करा है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि आखिरी वाला पहले दे रखा हो, पहले वाला आखिरी दे रखा, कुछ भी हो सकता है। तो यहां हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से कैपिटल एडजस्टमेंट को करना चाहिए, क्या अप्रोच होनी चाहिए उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। देखो, एक चीज आप हर क्वेश्चन में ध्यान रखें, एवरी पर्टिकुलर क्वेश्चन हैज हिज ओन सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन का खुद का एक सॉल्यूशन होता है और आप लोगों को उस सॉल्यूशन के पास पहुंचना है और उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। कोई भी 1% भी आप लोगों को दिक्कत नहीं आने वाली है उस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पहुंचने के लिए। आपको बस दिमाग में यह बिठाना है कि यह क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आता है और मैं कर सकता हूं। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एक छोटा सा फेज है, मतलब एक छोटी सी लाइन है। अगर उस लाइन को छुपा दो तो बाकी जो पूरा क्वेश्चन है वो आपका एज इट इज जो आप पहले कर रहे हो, ठीक है ना। तो आपको 8 में से 6 नंबर तो पहले से ही आ जाएंगे, बस ये 2 नंबर का एक एडजस्टमेंट है, ठीक है। एक एक करके 5वें एडजस्टमेंट को पढ़ते हैं और आप खुद अंदाजा लगाएंगे कि क्या करना चाहिए, क्या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से पहले आंसर आ जाएगा या इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट पूरा खत्म करने के बाद कैपिटल फाइंड आउट करनी है। लेट्स गो थ्रू विद द फर्स्ट एडजस्टमेंट, द कैपिटल अकाउंट ऑफ ओल्ड पार्टनर आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ जेड कैपिटल इन द शेयर ऑफ बिजनेस। समझ में आया, देखो सिंपल है, बड़ा आसान है। देखो अपन लैंग्वेज पढ़ते हैं, देखो सिर्फ लैंग्वेज का खेल है और कुछ नहीं है। द कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर, पुराने पार्टनर, जस्ट फॉर एग्जाम्पल ग्रांटेड ऑफ 3 पार्टनर्स ए बी एंड सॉरी एक्स वाई जेड लेते हैं, क्वेश्चन में जेड लिखा हुआ ना, एक्स वाई 2 पार्टनर है, जेड नया पार्टनर आया है। क्या बोला गया है,
ओल्ड पार्टनर की कैपिटल मतलब इनकी कैपिटल को छेड़छाड़ करना है, किसके हिसाब से? ऑन द बेसिस ऑफ प्रपोर्शन ऑफ जेड कैपिटल, जेड के हिसाब से बाकियों की कैपिटल को छेड़ना है। मतलब ये बन गया राजा, ये बन गया राजा। जहां आपको प्रपोर्शन वर्ड मिल जाए, इस प्रपोर्शन वर्ड कहा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दैट वर्ड प्रपोर्शन इज क्लियरली डिफाइंड एज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब क्या हुआ, इसने बोला कि जेड है राजा और इस राजा के हिसाब से इन दोनों की कैपिटल को छेड़ना है। अब मेरी बात को समझ लो, क्वेश्चन ले, एक लाइन लेते हैं उसके साथ समझ रहे हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जेड की कैपिटल मान लो 30,000 रुपीज है, ठीक है, ये आया है 1/3 शेयर के लिए, ठीक है, और एक्स और वाई जो है इनका भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, इक्वल। अब समझ रहा, राजा के हिसाब से इन दोनों की कैपिटल छेड़नी है। राजा की कैपिटल पहले से गिवन है क्या आपको? क्वेश्चन के पहले ही आपको गिवन है 30,000 रुपए। सो आपको पूरा क्वेश्चन करने से पहले राजा का पता है, समझ रहा? हर कैपिटल एडजस्टमेंट में एक राजा होता है। अगर उस राजा की कैपिटल आपको पता है तो आप पहले उसको खत्म कर सकते हैं, और राजा की कैपिटल ही गायब है तो आपको पहले राजा की कैपिटल फाइंड करनी पड़ेगी, फिर करना पड़ेगा। यहां देखो, जेड के हिसाब से बाकी दोनों को छेड़ना है, इनको छेड़ना है इसके हिसाब से, ये बन गया राजा, और इसकी कैपिटल आपको क्वेश्चन में पहले ही गिवन है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन सिर्फ पढ़ा है, रीड करते समय आपको ये एडजस्टमेंट मिला और इनकी कैपिटल मिली। तो अब आपको राजा की कैपिटल मिल गई, तो आपको आगे बढ़ने से पहले कैपिटल का एडजस्टमेंट करके क्वेश्चन खत्म कर देना है। देखो बड़ा आसान, इसके हिसाब से इन दोनों की, देखना जेड का शेयर कितना है 1/3, जेड कैपिटल कितनी लाया है 30। तो Z के हिसाब से टोटल कैपिटल कितनी हो गई 30 × 3/1। पहले तो ये बताओ कि ये समझ में आता है क्या, समझ में आया क्या बनता है, समझ में आया? देखो कैसे होता है, ये इसलिए किया जाता है, जैसे मैंने आपको बोलू कि तू 100 रुपए ले गया और तू मेरा आधा पैसा लेके गया है, तू मेरा आधा पैसा लेके गया और तू 100 रुपए ले गया है, तो पूरा पैसा कितना होता है? पूरा पैसा आप बोलोगे सर 200 होता है। कैसे, किसका आधा 100 होता है, 200 का आधा 100 होता है, पर आपने एक्चुअल में मनी मन में क्या किया है, अगर 100 रुपए में लेकर गया हूं वो आधा पैसा है तो दुगना कर दो उसका, यानी कि आधा लेके गया ना तो दुगना कर दो, 2/1 कर दो, तो आपका आ जाएगा टोटल। सिमिलरली ऐसा ही केस किया जाता है, जेड 30,000 रुपए लेके आया 1/3 के लिए, तो टोटल कितना हो गया 1/3 का उल्टा 3, 1/3 हिस्सा अगर 30,000 है तो टोटल कितना होगा 3 गुना उससे, 1/3 अगर 30,000 है टोटल कितना होगा 3 गुना, तो 3 गुना कर दिया, यानी कि टोटल कैपिटल फर्म की कितनी आ गई बेटा 90, फर्म की, नई फर्म की, ठीक है, फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ गई 90। अब पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो देखो, अब तो ये भी पार्टनर है ना, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3 का आएगा, लड्डू कटेगा तो सब में बटेगा, ठीक है। तो अब यहां तीनों हैं, तीनों में बांट दो, तीनों का नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1:1:1 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा वो आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाली वीडियो देख लो, उसमें मैंने बताया हुआ है, ठीक है, वरना आप पूरा कैलकुलेट, अगर यहां 1:1 नहीं होता तो पूरा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकलता है, ठीक है। तो यहां पर तीनों को बराबरी बांट दो, कितना हुआ 30 और 30, यानी कि क्वेश्चन प्रारंभ करने से पहले आपने सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ी और पढ़ के आपने निकाल लिया क्या, ये क्या आया है बेटा, ये आपका आया है 2 balance CD, किसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का 2 balance CD आया है। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सादा सच्चा पूरा क्वेश्चन। अब ये पहले से गिवन है आपको, अब आपको पूरा क्वेश्चन वैसे ही करना है, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, बट आपको पार्टनर्स कैपिटल में 2 balance CD जो हम कैलकुलेट करते हैं वो पहले से ही गिवन है, कितना 30 30 और 30, पहले से 30 30 30 आपको गिवन है। तो जब पहले से 30 30 30 गिवन है
तो सर फिर बैलेंस क्या आएगा? तो जो आपका बेटा बैलेंस आएगा वो इधर कैश होगा या फिर करंट होगा, वो इधर या तो कैश होगा या फिर वो करंट होगा। भैया मेरी बात को समझना, कैसे आप क्वेश्चन पूरा करोगे? क्वेश्चन पूरा करने के बाद आपको बैलेंस पहले से गिवन है, जब बैलेंस पहले से गिवन है तो भी बैलेंस निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा? आपको ये देखना पड़ेगा कि यार जो बैलेंस मैंने निकाला है वो एक्चुअल में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर 30 का ही बैलेंस होगा तो दोनों साइड बराबर ऑलरेडी हो चुके होंगे कि आपने बैलेंस लिख दिया। जो कम ज्यादा आएगा, अब आप उसको किससे नाम लिखोगे, या तो टू कैश या बाय कैश, डिपेंडिंग कि वो किस तरफ आ रहा है। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई किया गया है तो टू करंट अकाउंट ए का या बी का, इस तरीके से आपको करना है। समझ में आ गया? क्लियरली आगे बढ़े। तो अगला जो कॉन्सेप्ट है आपका वो है केस नंबर टू। देखो एक चीज समझना, केसेस बहुत सारे हो सकते हैं और सारे केसेस एक भी हो सकते हैं। इट ओनली डिपेंड्स कि आप किस तरीके से उसको अप्रोच कर रहे हो और क्या आप उसको नया केस समझ के या वही लाइन समझ के पढ़ रहे हो। ठीक है, अब यहां समझना। अगला क्वेश्चन, बी विल गेट 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, बी विल गेट 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। बी को कितना मिलेगा? 1/3। बी हैज टू ब्रिंग 30,000 एज इज कैपिटल टू विच अमाउंट अदर पार्टनर शैल बी एडजस्टेड। क्वेश्चन एक बार वापस से रीड करें। दूसरा, बी जो है वो 1/3 प्रॉफिट का मालिक है और बी उस प्रॉफिट के लिए 30,000 रुपए लेकर आया है एज इज कैपिटल, कैपिटल के लिए, टू विच अमाउंट अदर पार्टनर शैल बी एडजस्टेड। किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? किसको एडजस्ट करना पड़ेगा? अदर पार्टनर को। तो राजा कौन? राजा कौन? बी। समझ में आया? इसमें राजा कौन है? बी है। बी की कैपिटल पहले से पता है कि आपको ये री, इसी के हिसाब से बाकियों की कैपिटल एडजस्ट करनी है। एक जादू दिखाऊं, इस वाले क्वेश्चन में और इस वाले क्वेश्चन में एक अंतर निकाल दो, 100 रुपए का इनाम मेरी तरफ से अभी। दोनों बात में कोई भी डिफरेंस है क्या? नहीं है। इसमें बस अमाउंट नहीं गिवन था और जो हमने अमाउंट अज्यूम करा है 30,000 और 1/3, दैट इज एग्जैक्टली सेम। यानी कि ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन यही है, पूरा का पूरा यही है, पर आपकी किताब में अलग दिया हुआ है। क्यों दिया हुआ है? कंफ्यूज, कंफ्यूजन क्रिएट की है माइंड में। आप लोग देखो ये दोनों केस सेम है ना, पर आपको अगर ये दे दो तो आप अभी कर लेते, ये दे दो तो आप अटक जाते। क्यों? क्योंकि हमारे दिमाग में कीड़ा बैठा हुआ है, कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब दिक्कत, और वो दिक्कत कभी सॉल्व नहीं कर सकता। तो क्यों? क्योंकि वो दिक्कत है और तू दिक्कत का राजा है। पर राजा दिक्कत का नहीं है, राजा आज से आपको बोलूं मैं, राजा कौन है? राजा वो है जिसके हिसाब से बाकियों की कैपिटल को छेड़ा जाता है। और अगर आपको राजा का पहले से कैपिटल पता चल जाए तो कैपिटल एडजस्टमेंट क्वेश्चन शुरू करने से पहले ही करा जा सकता है, और अगर राजा की कैपिटल पहले से पता ना हो तो आप नहीं कर सकते। गेट दैट? दोनों केसेस हो गए, एक ही बात है दोनों में, दोनों में 1% का फर्क नहीं। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स टॉक अबाउट। देखो बड़ा सिंपल है अगला क्वेश्चन, रीड करें। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड इन PSR टेकिंग न्यू पार्टनर एज अ बेस। राजा नया, नई की कैपिटल पता है, काम खत्म। नई कैपिटल पता है, ये थर्ड केस भी इसी का भाई है क्योंकि इसमें और इसमें कोई फर्क ही नहीं है। पार्टनर की कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग में रेशो में होगी। इस क्वेश्चन में क्या था? प्रोपोर्शनेट होगी। और यहां मैंने बताया था प्रोपोर्शनेट का मतलब क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग, सेम वर्डिंग है, लैंग्वेज अलग है, काम खत्म हो जाता है यहीं पे। समझ में आया? यहां जेड है, वहां न्यू पार्टनर है, कैश खत्म। ये वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन, फर्स्ट एंड थर्ड इज कंप्लीटली एग्जैक्टली सेम। समझ में आ गया? क्लियर। अब थोड़ा बदलाव करते हैं। मान के चलो ऐसा ही हो तो क्या करें? सिर्फ ऐसा हो गए तो क्या करोगे?
पर्पस कैपिटल अकाउंट विल बी एडजस्टेड इन पीएसआर, दैट इज इट। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा और इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है। अब क्या करें भाई? पहली चीज, यहां कोई राजा है क्या? यहां कोई भी राजा नहीं है। ना तो ये बोला गया कि नए पार्टनर के हिसाब से, ना ये बोला गया कि पुराने पार्टनर के हिसाब से। तो अब की बार दोनों में से राजा तो कोई नहीं है, फिर क्या करें? अब देखो, राजा कौन है पता नहीं, किसी की कैपिटल पता है पता नहीं, पुराने पार्टनर की पता है आपको, जेड की कैपिटल पता है नए वाले पार्टनर की, पर वो राजा तो है ही नहीं। अब की बार राजा तो स्पेसिफाई नहीं किया, तो जब राजा स्पेसिफाई नहीं किया है तो क्वेश्चन किस तरीके से करना, लेट्स गो थ्रू इट। हर क्वेश्चन आंसर देकर जाता है, हमेशा याद रखो, हर क्वेश्चन आंसर देकर जाता है, बस आपको उससे लेना आना चाहिए आंसर। आंसर लेना सीखो, काम अपने आप हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट इट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट वुड बी एडजस्टेड इन पीएसआर। अब सबसे पहली बात तो इसने ये बोल रखी है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा, जो भी हो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। अब समझना, दिमाग चलाओ मेरे साथ, बैठ के दिमाग चलाओ। पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा। अब एक दिक्कत सता रही है मेरे को, वो दिक्कत ये है, मान लो एक्स और वाई पार्टनर थे, वन इज टू वन लेते हैं, सिंप्लीफाई आपको समझ में आ जाएगा। जेड आया 30,000 लेकर आया फॉर 1/3 शेयर, ठीक है, ये वही अपना बेसिक सा पेटेंट राइट क्वेश्चन लिया। अब दिक्कत ये है कि इसने बोला प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में पार्टनर कैपिटल अकाउंट होने चाहिए, पर किन किन में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दो है, एक है ओल्ड और एक हम ला सकते हैं न्यू। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना आप सभी को आता है, नहीं आता तो वीडियो गो थ्रू कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। ये इसके हिसाब से या इसके हिसाब से, बड़ी दिक्कत आ गई, आ गई ना बड़ी दिक्कत। तो अब समझना, आप जो रिवैल्यूएशन बनाओगे, आप जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे, आप जो बैलेंस शीट बनाओगे, उसके हिसाब से अब पार्टनर कितने रह गए हैं? तीन। कितने? तीन। तो आपको इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। पहली चीज तो हो गई क्लियर, ठीक है सर, हो गई क्लियर कि नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना है। अब जो भी कैपिटल होगी उसको इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। बात है जो भी होगी वो होगी कहां से, जो भी आएगी वो आएगी कहां से। अब समझना, बड़ा आसान सा तरीका है, तीन पार्टनर है, अगर मैं Z को कंसीडर कर रहा हूं, ध्यान से देख लो Z को, मेरी तरफ से घूर के देखो Z को, क्या घूर के देखो, अगर Z को कंसीडर, बड़ी आंखें करके घूर के, अगर मैं Z को कंसीडर कर रहा हूं, यानी कि मेरा रिवैल्यूएशन बन गया है, यानी कि मेरा पार्टनर्स कैपिटल बन, Z को कंसीडर करने का मतलब क्या है? Z को भी बांटना है, तो Z को कंसीडर करने का मतलब क्या है? Z आ गया है, Z आने का मतलब रिवैल्यूएशन बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बन गया। इसने ये नहीं बताया कि कैपिटल कितनी होगी, इसने कहा जो भी होगी इक्वल हो, जो भी होगी इक्वल हो। इक्वल का मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, तो हमने कहा इक्वल होगी। तो हम क्या करना है? अब राजा का तो अता पता ही नहीं है, तो क्वेश्चन पहले करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट अभी नहीं हो सकता है, पूरा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। रिवैल्यूएशन बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल बने, साथ में बनेगा, ध्यान रखना, आपको समझाया है हर क्वेश्चन में, सारे अकाउंट साथ बनेंगे, सारे अकाउंट साथ बनेंगे, इस चीज का याद रखना आप लोग, ठीक है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट साथ साथ में बनाई। अब बात आई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होना है, यानी कि आपके पार्टनर्स कैपिटल में जो टू बैलेंस सीडी आएगा, मतलब जो बैलेंस आएगा वो कैसा होना चाहिए, उसी की तो कहानी है, कैपिटल एडजस्टमेंट मतलब टू बैलेंस सीडी, वो इस रेशियो में होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। क्वेश्चन कर लेते हैं, रिवैल्यूएशन बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल बना लिया, अब पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस आया, जस्ट फॉर टेकिंग फॉर ग्रांटेड मान लेते हैं इसका आया है कितना, 4,00,000, इसका आया है 1,00,000, रफली मतलब क्वेश्चन के हिसाब से, रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल का प्लस माइनस करने के हिसाब से, और इसका आया 1,00,000, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। या इसका मान लेते हैं अपन, देखो इसका करा 3, इसका करा 1 और इसका करा 2, ऐसा आया।
अब सबसे पहली चीज आपको देखनी है कि आपका बस एक ही फंडा है क्या, कि कैपिटल जितनी भी आए बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आए। तो पहले तो ये देखो कि यह जो अभी रफ में आ रहा है मेरा, कैलकुलेट करने के बाद यहां लिखूंगा नहीं क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बोला है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जब तक नहीं आएगा मैं लिखूंगा नहीं। मैंने रफ में कैलकुलेट करा, इधर से इसको माइनस करा, 3 लाख, 1 लाख और 2 लाख आया। पहले तो ये देखो क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में है, 1-1-1, 3-3-3 होना चाहिए या 1-1-1 होना चाहिए या 2-2 होना चाहिए। तो ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में नहीं है। तो यानी कि अब मुझे क्या करना है, मेरे पास एक ही काम है कि इसको बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट कर दो, इसको बस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कन्वर्ट कर दो। कैसे करेंगे, तीनों को चाहिए, तीनों की कैपिटल को जोड़ा, कितनी कैपिटल हो गई, 6 लाख रुपए। यहां वो उल्टा सीधा 1/3, 3/1 करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्यों, क्योंकि इसने तीनों की कैपिटल को बोला है। टोटल कैपिटल कितनी है फर्म की, 6 लाख रुपए है। 6 लाख रुपए है भैया किसमें होनी है, इक्वली होनी है, तो इक्वली तीनों में टुकड़े में कर दी, कितनी आ रही है, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख, तीनों की कैपिटल आ गई। इसकी कितनी थी, 3 लाख, तो इसको बोला भैया 1 लाख रुपए तू लेके चला जा, 2 कैश करके 1 लाख रुपए। इसकी 1 लाख है, तू 1 लाख रुपए क्या बाई कैश करके 1 लाख रुपए। ये 2 लाख का 2 लाख ही पड़ा हुआ, आपको कुछ नहीं करना। समझ में आ गया, क्लियर है फंडा। देखो फंडा बड़ा क्लियर होना चाहिए क्योंकि सीधी सी बात है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत डरा लिया। अब आ जाओ टाइम पे क्योंकि अब तुम्हारे आने वाले पेपर आखिरी की दौर देखते हैं, बड़े सिंपल हैं। समझ में आया ना इसमें क्या किया, बस पीएसआर में करना था तो क्वेश्चन खत्म करा, राजा कोई था ही नहीं, पूरा क्वेश्चन खत्म करा है। और उसके बाद जो भी कैपिटल की आई है, जो एक्चुअल में आई है, उसको लिया, उससे टोटल कैपिटल निकाली और बराबर बांट दी, मतलब जिस रेशो में आपको बांटनी है उस रेशो में बांट दो। अब जो कम ज्यादा जो आ रहा है, मतलब जो आ रहा है कम ज्यादा, वापस बैलेंस निकाल लो, जो बैलेंस आएगा वो टू कैश या बाई कैश में एडजस्ट हो जाएगा या फिर करंट अकाउंट में, जैसा आपको क्वेश्चन में बोले। ठीक है, इसको मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं लिख पाए तो थोड़ा सा वीडियो को रिवाइंड कर लो फिर लिख लेना। हाँ जी, अंतिम दो प्रश्न, दो तरीके और आया। सी विल ब्रिंग कैपिटल इक्वल टू 20% कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। ये एक नया फंडा है, अब क्या करें, ये पता आपकी बुक में कहीं कैटेगराइज नहीं किया गया। ये वो है जो कहते हैं ना गड्डी का जोकर, जो ना इधर है ना इधर है, पर है जरूर गड्डी के अंदर। ठीक है, तो यहां पर क्या है, क्वेश्चन रीड करो। सी को लानी है 20% कैपिटल, सी को लानी है 20% कैपिटल न्यू फर्म की। ये फंस गया, ये आंसर, ये है इसका आंसर, या नहीं मिलेगा आंसर, यहां मिलेगा आंसर। नए फर्म की 20% कैपिटल सी लेकर आएगा। अब क्या करें भैया, नया फर्म, मानो एक एबीसी तीन पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:1 लेते हैं, सी आ गया है 1/3 के लिए, या सी कितने के लिए भी आया, मैं कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं गया हुआ, बस ये कितना पैसा लाया ये भी नहीं गिवन, बस इसने ये बोला हुआ है कि सी जो है वो नई फर्म का 20% कैपिटल लाएगा। नई फर्म जो भी बनती है आपकी, उसका 20% कैपिटल जो है वो सी लेकर आएगा। ठीक है, नई फर्म का मतलब सी के आने के बाद, नई फर्म का मतलब जो क्वेश्चन गिवन है वो नहीं, नई फर्म का मतलब जो आंसर आप निकाल रहे हो वो। अब यहां पर राजा कौन है, नई फर्म वाले आदमी, नई फर्म में तीन राजा बैठे हुए हैं ए बी सी, इनमें से दो की कैपिटल आपको पता चल सकती है आफ्टर कंप्लीटिंग द क्वेश्चन, क्वेश्चन खत्म करने के बाद कैपिटल पता लग सकती। देखो जो अभी क्वेश्चन में गिवन है ना उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आप निकाल रहे हो ए और बी की उस कैपिटल से फर्क पड़ता है, जो क्वेश्चन में ए और बी की कैपिटल उससे भी कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, ये दो पार्टनर है जिनकी कैपिटल हम निकाल सकते हैं, मतलब राजा को पता कर सकते हैं, कब, क्वेश्चन खत्म करने के बाद, उससे पहले राजा का पता नहीं लगेगा। सी तो बेचारा है ही फकीर, उसका तो कुछ लेना देना नहीं है। इसने क्या बोला, नई फर्म ये आया मान लो 1/3 कैपिटल के लिए, 1/3 के लिए मानते हैं। नई फर्म क्या, नई फर्म मतलब कैलकुलेशन करने के बाद, यानी रिवॉल्यूशन बन गया, पार्टनर्स कैपिटल बन गया, पार्टनर्स कैपिटल का टू बैलेंस सीडी तक का काम हो गया है,
आंसर आपको निकाला तक हो गया है, मतलब आपको पहले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं होगा क्योंकि इसने नई फर्म की बात करी है। तो आप बिना एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल को सोचे हुए रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाओगे, रिवैल्यूएशन का आंसर निकाल दोगे, पार्टनर्स कैपिटल का आंसर निकालने तक आप पहुंच जाओगे। पहुंचने के बाद क्या करना है, इसने बोला नई फर्म की जितनी भी कैपिटल है उसका 20% इसके हाथ में दे दो। ठीक है, तो हम नई फर्म हमने कैलकुलेशन कर ली रफ के अंदर, इनका बैलेंस निकाल लिया, मान लो एक्स का और वाई का, एक्स क्या ए और बी का, सी का तो निकाल नहीं सकते उसकी कैपिटल क्या है, तो ताम जाम कर रहे हैं। मान लेते हैं इसकी कैपिटल कितनी आई 3,00,000 रुपए और इसकी कैपिटल कितनी आई ए, इनमें तो छेड़ करनी नहीं है उसने, ये तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख दो 3,01,00,000, कोई दिक्कत नहीं, उसने बोला ही नहीं छेड़ करने को। इसने क्या बोला, ये नई फर्म है। अब नई फर्म किन लोगों से बनी है, ए प्लस बी प्लस सी, इसकी जितनी भी कैपिटल होगी उसका 20% सी लेके आएगा। अब सी की तो कैपिटल में पता नहीं है तो ऐसे तो काम बनेगा नहीं। ए और बी की कैपिटल कितनी है 4,00,000 रुपए, पर नई फर्म जो है न्यू फर्म उसके अंदर तीसरा बंदा भी है, उसकी कैपिटल तो पता ही नहीं है, तो फिर हमें ऊपर उल्टा सीधा करके कैपिटल को निकालना पड़ेगा। तो देखो ए प्लस बी 1:1:1 इक्वल रेशियो, न्यू रेशियो निकालने के बाद इक्वल रेशियो 1:1:1 है, कितनी कैपिटल होल्ड करते हैं, दो हिस्से, तीन में से दो हिस्से, ए प्लस बी मतलब 2:3 पार्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है ना, यानी कि 1/3 ए का है और 1/3 बी का, यानी कि टोटल 2/3 पार्ट जो है ये होल्ड करते हैं, यानी कि इनकी जो 2/3 पार्ट की कैपिटल है वो है 4,00,000। तू मेरे से 100 रुपए लेके गया 2/3 हिस्से के, तो टोटल कितना हो गया, जस्ट फ्लिप इट ऑफ, 3/2 का मतलब 2×6,00,000 रुपए, ये क्या आ गया बेटा टोटल, टोटल कैपिटल कितनी, टोटल कैपिटल कितनी आ गई, टोटल कैपिटल कितनी आ गई, टोटल कैपिटल कितनी आ गई, बोलो टोटल कैपिटल। अब भाई तुम्हारा सी कितना लेके जाएगा, उसने बोला सी लेके जाएगा 20%, सी लेके जाएगा 20%, सी लेके जाएगा 20%, या कैलकुलेट करा 20/100 किसका 20, टोटल कैपिटल, ये टोटल आ गई तुम्हारी 6,00,000, इसका 20%, कट 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 1/5, 1,20,000 रुपए की आ गई सी की कैपिटल, कैलकुलेट कर ली गई। अब आप सी के अंदर एक लाइन जो आपने छोड़ी हुई है सी की कैपिटल क्योंकि खाली थी, वहां लिख दोगे 2 bank वो बाय बैंक करके 1,20,000 रुपए। समझ में आ गया, सिंपल है, आखिरी कर लो, ठीक है आखिरी समझा देता हूं फिर हो जाएगा। डी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल That is 1/6 of his share. Raja कौन? कौन? पुराने वाले. D जो है जो नया पार्टनर है वो 1/6 शेयर के हिसाब की कैपिटल लाएगा. सेम क्वेश्चन ये वाला. 1/6 शेयर, वहां 20% था, 20% को अगर अपन कैलकुलेट करें तो 1/5 हो गया, यहां 1/6 है, यानी कि इनका रेशो शेयर पता नहीं कितना है, बस आपको जैसे मान लो ए बी और डी है, डी का रेशो आपको गिवन है 1/6, तो ए प्लस बी का कितना हो गया 5/6, वही अपन करते हैं 1 - 1/6 दैट इज इक्वल टू 5/6, ठीक है, यानी कि ये 1/6 के हिसाब की कैपिटल लाएगा। तो क्वेश्चन वैसे ही होगा, राजा कौन, ए और बी पुराने वाले, उनकी कैपिटल कब निकल सकती है, क्वेश्चन करने के बाद, क्वेश्चन करा, क्वेश्चन करने के बाद उनकी कैपिटल मान लो ये आ गई, दोनों की कैपिटल है 4,00,000 रुपए और दोनों कितना शेयर होल्ड कर रहे हैं, अगर डी 1/6 कर रहा है तो बाकी कितना होल्ड कर रहे हैं, 5/6 होल्ड करेंगे, बाकी कितना होल्ड करेंगे, कैसे निकालेंगे, टोटल होता है 1/6 डी होल्ड कर रहा है, माइनस कर दो 5/6, ये दोनों होल्ड कर रहे हैं, यानी ए प्लस बी यहां पर कितना हो जाएगा 5/6, टोटल निकालना तो 4,00,000 × 6/5 टोटल कैपिटल आ गई, उसका फिर वापस 1/6 कर दो आपका आ जाएगा इसकी कैपिटल डी की। समझ में आ गया। तो भाइयों और बहनों ये है तुम्हारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, पता है ये मैंने करीब 20 क्वेश्चन करा दिए, तुम्हें करीब 20 क्वेश्चन हो गए आज तुम्हारे। बस देखो दिक्कत पता है क्या आती है, दिक्कत ये है कि हम ये कभी नहीं समझते कि क्वेश्चन बना ही सॉल्व होने के लिए, क्वेश्चन बना इसलिए है ताकि तुम उसे सॉल्व कर सको, और अगर तुम नहीं करोगे ना तो तुम्हारे पड़ोस वाला कर लेगा, पड़ोस वाले को नहीं करने देना, पहले तुम्हें करना है। कैसे करना है,
वीडियो आके देखनी है, रोज देखनी है और करना है। ये वीडियो पसंद आए, लगे कि सर ने मेहनत करी है, तो इस वीडियो को आगे शेयर करें। मैं भी टॉपर सीरीज में अगर आप एंड तक आए हो तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल यानी कि डे नंबर 14 संडे प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो, अगला टॉपिक धांसू टॉपिक तुम्हारे डिप्रेशन से लेकर लिखने के तरीके तक के सारे प्रॉब्लम्स को कल इकोनॉमिक्स वाले टिप्स पे हम सॉल्व करने वाले। तो कल शाम को 5 बजे मैं भी टॉपर सीरीज डे नंबर 14 प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो आपका इंतजार कर रही है। आपसे कल फिर मिलेंगे। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर करो अपने सभी दोस्तों के साथ और उनको बताओ कि भाई एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल बहुत आसानी से होता है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो जल्दी से आगे शाम को 7 बजे आपकी प्रैक्टिस कराने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आ रहा हूं। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग, डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर और मेरे टॉपर चला।